गुड इवनिंग एवरी वन. माई सेल्फ डॉक्टर ज्योतिका अग्रेरी कपूर. आई एम अ क्लासिकल होम्योपैथ प्रैक्टिसिंग इन लुधियाना सिंस 12 ईयर्स. और आज हम एफोरिज्म 2 के बारे में बात करने वाले हैं. और हमने एफोरिज्म 1 किया था. ऑर्गेनिन की लर्निंग सीरीज स्टार्ट की है मैंने 10th ऑफ अप्रैल से. और एफोरिज्म 1 आप ज़रूर देखें. इस वीडियो को देखने से पहले उसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको. तो एफोरिज्म 2 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. डीप स्टडी करेंगे एफोरिज्म 2 की. तो एफोरिज्म 2 मैं पहले आपको पढ़ के बता देती हूँ आपके लिए. द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रीस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे ऑन ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल. ये हमारा एफोरिज्म 2 है. और इसको सर ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ है फर्स्ट पार्ट. और सेकेंड पार्ट है और रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे ऑन ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्यूट डिजीज़ को डिनोट करता है और सेकेंड पार्ट जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ की डिस्क्रिप्शन को बताता है. तो इस एफोरिज्म में हमको हैनमैन सर ने क्या समझाया है कि क्योर का आइडियल प्रोस्पेक्टिव क्या है. हमको जो क्योर करना है, पेशेंट को क्योर तक ले जाना है, उसका आइडियल प्रोस्पेक्टिव क्या होता है. तो दो पार्ट में उनको उन्होंने डीमार्केट किया है अनकॉन्शियसली. तो एक्यूट और क्रॉनिक. एक्यूट में हम एक्यूट को क्या कैसे समझते हैं. एक्यूट जो होता है उसका हमारा ऑनसेट हमेशा सडन होता है. और तो उसकी जो मेडिसिन जो होती है, मेडिसिन होनी चाहिए एक्यूट डिजीज़ को क्योर करने के लिए, वो भी एक्यूट ही मेडिसिन होनी चाहिए. मतलब कि जिसका ऑनसेट, जिसकी क्योरिंग पावर सडन ऑनसेट वाली हो और वही उस एक्यूट कंडीशन को क्योर कर सकता है. इस तरह की मेडिसिन सेलेक्ट करें जो उस एक्यूट कंडीशन को क्योर कर पाए. तो एक्यूट में हमारा क्या होता है कि सडन ऑनसेट होता है और उसमें क्या होता है, या तो मतलब एक्यूट कंडीशन में पेशेंट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है कि उसकी डेथ भी कई बार हो जाती है. उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है एक्यूट की. तो और कई बार क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, वो वाइटल फोर्स का एक पार्ट लेके और चला जाता है. तो इससे क्या होता है, आगे उसमें क्या होता है, एक्यूट में वाइटल फोर्स का थोड़ा सा पार्ट लेकर छोड़ कर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वीकनेस अगर धीरे धीरे अगर हम उसको ठीक करेंगे तो वो आइडियल क्योर नहीं कहलाएगा. इसलिए उन्होंने एक्यूट का अलग प्रोस्पेक्टिव दिया है और क्रॉनिक का अलग प्रोस्पेक्टिव दिया है. तो उसमें उन्होंने एक्यूट के बारे में जो बताया है फर्स्ट पार्ट में, द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, ये एक्यूट के बारे में बताया उन्होंने. तो सबसे पहले हम हाइएस्ट के बारे में जानेंगे. हाइएस्ट क्या होता है. हाइएस्ट मीन्स सबसे ऊंचा, इससे ऊंचा कुछ भी ना हो. हाइएस्ट मतलब ये हाइएस्ट जो होता है सबसे हाई एक्सटेंट पे हम लेते हैं. तो उच्चतम, इसका हिंदी मीनिंग बोलेंगे उच्चतम, या इंग्लिश मीनिंग में सुप्रीम और परम, अल्टीमेट जो होता है. और इससे ऊंचा कुछ भी नहीं हो सकता. ये हमारा हाईएस्ट हो गया. इसकी मीनिंग आइडियल. आइडियल क्या होता है, आइडियल एक ऐसा जो आदर्श हो. ठीक है, आदर्श आइडियल. जैसे कोई आदर्श जो आइडियल मशीन होती है जिसमें जितना भी हम इनपुट डालें उतना ही उसका आउटपुट आए, तो उसको हम एक आइडियल मशीन बोलते हैं. तो मगर आइडियल बहुत कम चीज़ें होती हैं जो आइडियल होती हैं. तो ये उन्होंने आइडियल के बारे में बताया है, मतलब आइडियल यूज़ किया है वर्ड यहाँ पे क्योर के लिए. तो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, क्योर इज़ रैपिड. रैपिड मतलब जिसमें कम से कम टाइम लगे, जिसमें पेशेंट पहले से ही, मतलब पहले से ही परेशान है पेशेंट, और उसको हम ऐसा ना क्योर करें कि उसमें बहुत टाइम लगे और वो और परेशान हो पेशेंट. तो पेशेंट पहले से ही परेशान है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल हम जितना फास्टेस्ट वे में उसको क्योर दे सकें, वो हो गया हमारा रैपिड.
तो रैपिड लॉन्गर द सफरिंग मोर द चांसेस ऑफ टिश्यू डैमेज. अगर जैसे जैसे सफरिंग बढ़ेगी वैसे वैसे उसके टिश्यू के जो हमारे डैमेज हो रहा है उसके चांसेस बढ़ते जाएंगे. दैट इज़ मोर द डैमेज मोर इनक्योरेबल द डिजीज़ बिकम. जैसे जैसे डैमेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो डिजीज़ जो है वो इनक्योरेबल स्टेट पर जाती जाएगी. इसलिए हमको रैपिड क्योर करना है. तो जैसे हमारे एक्यूट में कुछ मेडिसिंस हम बोलते हैं कि एकोनाइट और पैलोडोना एक्यूट की मेडिसिंस हैं. क्रॉनिक में भी हम यूज़ करते हैं, इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है. मगर ये जो है ज़्यादातर एक्यूट में यूज़ की जाती है मेडिसिन, क्योंकि इनका जो क्योरिंग पावर है वो बहुत फास्ट होता है और बहुत क्विक होता है. तो जैसे बेलाडोना का एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो बेलाडोना में एक सिम्टम लिखा हुआ है, मतलब एक रूब्रिक है हमारा, क्विक सेंसेशन एंड मोशन, आई स्नैप एंड मूव्स क्विकली, पेन्स कम सडनली, लास्ट इनडेफिनेटली एंड सी सडनली. ठीक है, पेन आ भी रही है सडनली और जा भी रही है सडनली. ठीक है, तो ये उसका रूब्रिक है या उसका सिम्टम है. तो इस तरह के जो एक्यूट केसेस हैं उसमें हमारे एक्यूट मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छा काम करती है. जैसे कुछ क्रॉनिक डिजीजेस हैं, क्रॉनिक डिजीज़ है या क्रॉनिक मेडिसिंस जो होती हैं, जैसे डीप एक्टिंग मेडिसिन, जैसे लाइकोपोडियम आप ले लीजिए, बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है. डीप सीटेड और प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिजीजेज में यूज़ करते हैं. इंसीडियस ऑनसेट होता है इनका लाइकोपोडियम में, धीरे 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 बीमारी जो है वो आगे बढ़ती है और डीपली सीटेड होती है पूरी तरह से. तो वहाँ पर हमारी इस तरह की मेडिसिंस हमारे को ज़्यादा रिजल्ट देती हैं. तो हमारा रैपिड हो गया और जेंटल, मतलब तो जेंटल के बारे में डॉक्टर हरमन सर ने इसीलिए बोला क्योंकि हमको रैपिड के चक्कर में ये नहीं भूलना कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो जेंटल भी होना चाहिए. और उसके लिए उन्होंने प्रीफेस 26 एडिशन में उन्होंने बहुत ही एक अच्छी लाइन्स लिखी हुई हैं. जेंटल को अगर हम दिमाग में रख के देखें तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई हुई है. वाइटल फोर्स स्टिल प्रिवेल्स इन द पेशेंट, हेंस होम्योपैथी अवॉइड्स एवरीथिंग इन द स्लाइटेस्ट डिग्री इन फिबलिंग. होम्योपैथी शेड्स नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, एडमिनिस्टर्स नो एमेटिक परगेटिव्स लेग्जेटिव और डाइफोरेटिक्स, डिराइव्स ऑफ नो एक्सटर्नल अफेक्शन बाई एक्सटर्नल मीन्स, प्रिस्क्राइब नो हॉट और अननोन मिनरल बाथ और मेडिकेटेड क्लिस्टर्स, अप्लाई ऑन स्पेनिश फ्लाइज और मस्टर्ड प्लास्टर, नो सेटोन्स, नो इश्यूज, एक्साइट नो टाइलिज्म बर्न्स, नॉट विद मॉक्सा और रेड हॉट आयरन टू द वेरी बोन एंड सो फोर्थ, बट गिव्स विद इट्स ओन हैंड इट्स ओन प्रिपरेशंस ऑफ सिंपल अनकंपाउंडेड मेडिसिन विच इट इज एक्यूरेटली एक्वाइंटेड विद, नेवर सबड्यूज पेन बाई ओपियम एंड एज मच एज पॉसिबल एवरी एक्साइटेशन ऑफ पेन. तो जब आप प्री फेज 26 एडिशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन सर ने बोला है, होम्योपैथी अवॉइड्स एवरी थिंग इन द स्लाइटेस्ट डिग्री इन फीबलिंग. इन फीबलिंग का क्या मतलब होता है? इन फीबलिंग का मतलब होता है जो आपको वीक बना दे. फीबल मतलब जो, मतलब वीक. तो इनफीबलिंग मतलब जो आपको वीक बना दे, जो हार्म करे, वो चीज़ें हम कभी भी नहीं यूज़ करते हैं. तो सिक्स एडिशन के प्रीफेस के फुट नोट में होम्योपैथी शेड नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, मतलब एक बूंद ब्लड की भी नहीं वो निकालता और हम उसको ऐसे ही ठीक करते हैं मीठी गोलियों के थ्रू, डायनेमिक प्रिंसिपल के डायनेमिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए. जब उस ज़माने में क्या होता था, ऐसे ही होता था उस टाइम पे, क्या इन्फ्लेमेशंस हुई, ब्लड का एक्युमुलेशन हुआ तो चीरा देके ब्लड को हमने निकाल दिया. बट होम्योपैथी में इसके बिना हार्म के मीठी गोलियों के साथ हम उनको ठीक करते हैं. ड्राइव्स ऑफ नो एक्सटर्नल अफेक्शन बाई एक्सटर्नल मीन्स, टोटली दवा हम क्या करते हैं, टोटैलिटी लेते हैं और टोटैलिटी लेके उसका सारा, उसके बाद दवाई देते हैं जो उस इन्फ्लेमेशन को इजीली ठीक कर देता है. उसमें हमको एक्सटर्नल एप्लीकेशन कुछ भी नहीं ऐसा यूज़ करना पड़ता. हम मेडिसिन खाने को देते हैं और उसके थ्रू ही वो इंटरनली वो चीज़ ठीक होती है. कोई भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं हम.
होम्योपैथी किसी भी बाहरी हिसाब या जरियों से आपको ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि बीमारी का कॉज ही हम बाहरी जरिए से नहीं मानते। जो हमारे हमारा जो कहना है होम्योपैथी में कि बीमारी कभी भी किसी बाहरी एक्सटर्नल कॉज की वजह से नहीं आती है, हम इंटरनल डायनेमिक फोर्स का जो इफेक्ट होता है, जो हमारे वाइटल फोर्स इफेक्ट होती है, उसको हम डिजीज़ मानते हैं या सिकनेस, उसकी वजह से ही सिकनेस आती है। जब डायनेमिक फोर्स हमारा वाइटल फोर्स जब डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से ही सिकनेस आती है। तो इंटरनल कॉज की वजह से सिकनेस आ रही है तो वो इंटरनल ही मेडिसिन के थ्रू वो चीज़ ठीक भी होएगी। तो हम एक्सटर्नल कॉज के थ्रू नहीं मानते, तो इसलिए हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन कोई भी नहीं यूज़ करते। जब हम बाहर से किसी कॉज को डिजीज़ का कॉज नहीं मान रहे हैं तो हम बाहर से कॉज को हटाने के लिए भी नहीं लगाते हैं। तो ओल्ड स्कूल की थिंकिंग यही थी, वो क्या करते थे, एक्सटर्नल कॉज के थ्रू बीमारी को हटाने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने इसमें यही लिखा है कि प्रिस्क्राइब नो हॉट और अननोन मिनरल्स बाथ, मेडिकेटेड क्लस्टर्स, अप्लाई स्पेनिश फ्लाइज और मस्टर्ड प्लास्टर, ये सब कुछ नहीं हम यूज़ करते। तो इसी के रेफरेंस में अगर हम जाएंगे एफोरिज्म 54 में, उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है डॉक्टर हेनमैन सर ने, मैं आपके लिए पढ़ूंगी एफोरिज्म 54। दिस द होम्योपैथिक वे मस्ट मोर एवर एज ऑब्जर्व अवर एफोरिज्म 43-49 बी द ओनली प्रॉपर वन बिकॉज ऑफ द थ्री पॉसिबल मोड्स ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन डिजीज। ठीक है, इट इज़ द ओनली डायरेक्ट वे टू ए माइल्ड श्योर परमानेंट क्योर विदाउट डूइंग इंजरी इन अनदर डायरेक्शन एंड विदाउट वीकनिंग द पेशेंट। हमें एक चीज़ को ठीक करते समय दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं देनी है, ये हमको बहुत ध्यान में रखना है, और विदाउट वीकनिंग द पेशेंट, और पेशेंट को वीक नहीं बनाना, हमारी मेडिसिन से वो और ना वीक बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ उन्होंने बताई एफोरिज्म 54 में उन्होंने लिखा हुआ है। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये एक लौता ऐसा सिस्टम है जो इन्होंने लिखा है इसमें, इट इज़ द ओनली डायरेक्ट वे टू ए माइल्ड श्योर परमानेंट क्योर विदाउट डूइंग इंजरी इन अनदर डायरेक्शन एंड विदाउट वीकनिंग द पेशेंट। दिस इज़ द ओनली, ठीक है, ओनली लिखा है उन्होंने, मतलब एक लौता ऐसा सिस्टम है। तो ये उन्होंने बताया, और इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा हो गया जेंटल। जेंटल में हमने देखा प्रीफेस 6 एडिशन और एफोरिज्म 54 को रेफरेंस में लेते हुए हमने इसको समझने की कोशिश की, और उसके बाद हम देखेंगे परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। परमानेंट मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल, टिकाऊ, नित्य, स्थाई, स्थिर, है ना, ये इसका हिंदी मीनिंग है। और रिस्टोरेशन का मतलब होता है मरम्मत, वापसी, बहाली, रिपेयर, रिटर्न, कमबैक, ठीक है, ऑफ हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है, वेलबींग, साउंडनेस, आरोग्य, स्वास्थ्य, ठीक है। तो ब्रिंग बैक टू द हेल्दी स्टेट, इसका मतलब यही होगा कि हमको परमानेंट रिस्टोरेशन लिखा उन्होंने, मतलब जैसा वो पेशेंट बीमारी से पहले था हमको उसी स्टेट में उसको लेके जाना है, और परमानेंट लेके जाना है, यानी कि थोड़ी देर के लिए वो ठीक हो गया और फिर 6 घंटे बाद फिर उसको प्रॉब्लम आ गई, या 10 घंटे बाद फिर उसको प्रॉब्लम आ गई। परमानेंट होना चाहिए, रीस्टोर होना चाहिए हेल्थ का, ब्रिंग बैक टू द हेल्दी स्टेट। दवाई जल्दी ठीक करनी चाहिए उसको, जेंटल होनी चाहिए, जैसे पहला था रिस्टोरेशन करना है, एक्यूट डिजीज़ में वापस वहीं पर लेके जाना है, जैसा एक्यूट डिजीज़ से पहले था पेशेंट, हमको वापस उसी स्टेट में उसको लेके जाना है, उसी स्टेट में लेके जाना है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। तो एक्यूट में उन्होंने यही चीज़ बताई कि द हाइएस्ट आइडल ऑफ क्योर इज रैपिड होना चाहिए, मतलब छोटा से छोटा, जितना जल्दी आप उस चीज़ को ठीक कर सको, रैपिड के साथ साथ जेंटल होना चाहिए, जल्दी के चक्कर में कभी भी हार्मफुल नहीं होना चाहिए ट्रीटमेंट आपका, और परमानेंट होना चाहिए। ये नहीं कि एक्यूट में जैसे अगर उसको बुखार आ रहा है तो 10 घंटे उसका बुखार ठीक हो गया तो फिर 10 घंटे बाद दोबारा से आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो परमानेंटली एक बार ठीक हो गया तो ठीक हो जाना चाहिए। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, रिस्टोरेशन मतलब जैसा वो हेल्दी स्टेट में पहले था, सिकनेस से पहले था, उस स्टेट में उसको लेके आना है।
ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है सेकंड पार्ट, अगर हम देखेंगे तो क्रॉनिक डिजीज़ के आइडियल ऑफ क्योर कैसा होना चाहिए वो उन्होंने बताया, एक्यूट डिजीज़ का आइडियल ऑफ क्योर कैसा होना चाहिए। अब हमको देखना है सेकंड पार्ट में क्रॉनिक डिजीज़ के आइडियल ऑफ क्योर कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर और रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज़ इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे। तो सेकेंड पार्ट में उन्होंने बताया रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ डिजीज इन द होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे ऑन ईजिली कॉम्प्रीहेंसिबल प्रिंसिपल, ठीक है। तो होल एक्सटेंट क्यों बोला उन्होंने, होल एक्सटेंट क्यों बोला, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि रिमूवल एंड एनिहिलेशन का क्या मतलब होता है। तो रिमूवल का मतलब होता है निष्कासन, रिमूवल का मतलब होता है एक्सपल्शन या इरेडिकेशन, एनिहिलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का सर्वनाश करना, पूर्णतः समाप्त करना और समाप्त होने की अवस्था का नाम है ये, परम रूप से शून्य होना, कम से कम जड़ से ख़त्म करना, एनिहिलेशन मतलब जड़ से ख़त्म करना, और शॉर्टेस्ट का मतलब होता है कम से कम या न्यूनतम समय में, और मोस्ट रिलायबल मतलब भरोसेमंद तरीके से, और मोस्ट हार्मलेस मतलब हानि रहित, अहिंसक हानिहीन, और कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल क्लियर प्लेन और यूज़र फ्रेंडली इंटेलिजिबल एंड ग्रेसिबल समझाने योग्य। अगर इसको हम हिंदी में समझेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझाने, मतलब ईजिली समझाने योग्य, सुबोध अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टूड अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजिबल, ठीक है। तो और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ए जनरल और बेसिक ट्रूथ ऑन विच अदर ट्रूथ और थ्योरीज कैन बी बेस्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, रूल ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन बिलीफ ऑफ वॉट इज राइट एंड रॉन्ग, ए लॉ और फैक्ट ऑफ नेचर विच मेक्स पॉसिबल द वर्क ऑफ ए मशीन और डिवाइस द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म। ये मैं नोट्स जो मैंने बनाए ये मैं लास्ट में शेयर करूँगी इसकी फ़ोटो खींच के, क्योंकि मुझे इतना टेक्निकल अभी नहीं आता है कि मैं स्लाइड्स या इसको PDF में बना के डाल पाऊँ, धीरे धीरे मैं वो चीज़ें भी सीखूँगी। तो अभी मैंने सिंपल नोट्स जो बनाए हैं इसकी मैं एक फ़ोटो खींच के लास्ट में शेयर करूँगी, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये हमने सबकी मीनिंग देख ली, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इन क्रॉनिक डिजीज़ उन्होंने क्यों बोला, तो होल एक्सटेंट क्यों बोला है, होल एक्सटेंट या रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ बोला, या फिर रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट क्यों बोला, क्या फ़र्क बताना चाह रहे हैं सर यहाँ पर। यहाँ पर हमको ये देखना है कि उन्होंने होल एक्सटेंट क्यों बोला। क्रॉनिक केस में हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, क्रॉनिक केस को हम एक्यूट की तरह नहीं ट्रीट करते हैं, क्रॉनिक केस में हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, और उसकी बीमारी कहाँ से शुरू हुई, कब से चल रही है, क्या हुआ था, क्या मेंटल कॉज आया था, क्या इमोशनल कॉज आया था, और अभी की प्रॉब्लम को ही बस हमने नहीं ख़त्म करना है, उसकी जो भी प्रॉब्लम जहाँ से भी शुरू हुई है वहाँ से लेकर अभी तक की जो जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी चीज़ों को हमको देखना है, समझना, और उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देना है। तो इन इट्स होल एक्सटेंट उन्होंने इसलिए बोला, जैसे हमने हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में देखा है कि हमको डिजीज़ को कैसे ठीक करना है, इनवर्ड टू आउटवर्ड, अप टू डाउनवर्ड, रिवर्स ऑर्डर, मतलब जैसे जब बीमारी अपीयर हुई है उसके रिवर्स ऑर्डर में, तो हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट हमको देना है क्रॉनिक में। कई बार क्या होता है क्रॉनिक में जब हम पेशेंट, जैसे हमारे पास BP का पेशेंट आया और उसको BP ठीक हो रहा है और उसको स्किन की प्रॉब्लम आ रही है या उसको थोड़े बहुत लूज मोशंस आ रहे हैं, तो हमको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर BP ठीक हो रहा है और उसको ये छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये एक गुड साइन है। वहाँ पर हमको ये नहीं सोचना कि अरे प्रॉब्लम पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है और हम मेडिसिन फटाफट से चेंज कर दें। तो इन इट्स होल एक्सटेंट हम इसीलिए तभी कर पाएंगे जब उनको हैरिंग फ्लो ऑफ नेचर, हैरिंग फ्लो ऑफ क्योर के बारे में सारा कुछ पता होगा कि कैसे डिजीज़ जो है वो क्योर की तरफ जाती है। जब बड़ी प्रॉब्लम ठीक होएगी तो हो सकता है छोटी मोटी 2-3 प्रॉब्लम्स उसको आएँ जिसकी वजह से पेशेंट भी पैनिक हो सकता है, मगर हमको उस टाइम पर पैनिक नहीं होना और हमको उसके हिसाब से ही उसको ट्रीटमेंट देना है, और हमको उस चीज़ को समझना है कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो वो
छोटी प्रॉब्लम की तरफ शिफ्ट हो रही है और वो ठीक हो रही है। तो जैसे जैसे हम डिजीज को ख़त्म करेंगे वो रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। हैरी फ्लॉ ऑफ क्योर में उन्होंने यही बताया, इसलिए होल एक्सटेंट में ख़त्म करना है, हमें क्रॉनिक डिजीज़ में आइडल क्योर करना है तो एनिलेट करना है, जड़ से ख़त्म करना है, ठीक है। एनिलेट मतलब जड़ से ख़त्म करना है हमें उसको। शॉर्टेस्ट मतलब, शॉर्टेस्ट क्यों बोला उन्होंने, एक्यूट में उन्होंने रैपिड बोला, ठीक है, और इसमें उन्होंने बोला शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो रैपिड एक्यूट में यूज़ किया, शॉर्टेस्ट इन क्रॉनिक यूज़ किया, जितना कम से कम टाइम हो सके, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ को आने में ही बहुत टाइम लगता है। हो सकता है उसको 10 साल से प्रॉब्लम हो, उसको 5 साल से प्रॉब्लम हो, 20 साल से प्रॉब्लम हो, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि अगर उसको 10 साल से प्रॉब्लम है तो वो 10 दिन में ठीक हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा पीछे आने में, रिवर्स जाने में टाइम लगेगा। मगर हमको क्या करना है कि हमको उसको शॉर्टेस्ट वे में लेके जाना, मतलब कम से कम टाइम में उसको हमें ठीक करना है। हमने ये भी देखना कि रैपिड ठीक करना है, उसको जितना कम से कम टाइम में ठीक कर सकते हैं, जो उस बीमारी के लिए ज़रूरी है कम से कम टाइम, वो हम उतने कम से कम टाइम में उसको हमें ठीक करना है। डिजीज़ के प्रोस्पेक्टिव से शॉर्टेस्ट वे क्या है, डिजीज़ अगर उसको कोई बहुत डीप एक्टिंग क्रॉनिक डिजीज़ है तो ये नहीं होगा कि वो 20 दिन में ठीक हो जाएगा या 1 महीने में ठीक हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी जो बड़ी बीमारी है वो छोटी बीमारियों में कन्वर्ट होके और धीरे 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 ख़त्म होएगी। क्रॉनिक में क्या होता है, इंसीडियस होता है डेवलपमेंट उसका बीमारी का, इसलिए इनको ठीक करने में भी टाइम लगता है। शॉर्टेस्ट इसलिए यूज़ किया है उन्होंने क्योंकि 5 साल की डिजीज़ को 5 दिन में हम नहीं ख़त्म कर सकते हैं। टाइम डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़। टाइम हमेशा डिजीज़ की सीवियरिटी कितना सीवियर है, बीमारी कितनी सीवियर है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है और उसकी ड्यूरेशन कब से वो चला आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। शॉर्टेस्ट वे ढूंढना है हमको, शॉर्टेस्ट वे वेरिएबल होता है, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ते थे, डिस्टेंस होता था और उसको हम कम से कम टाइम में कितनी जल्दी से जल्दी, हम एक दो रास्ते बताते थे, एक सीधा रास्ता होता था, एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता था, तो हमको सीधे रास्ते से उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो हमारा हो गया रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ द डिजीज़ इन इट्स होल एक्सटेंट, रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ द डिजीज़, मतलब उसको जड़ से ख़त्म करना है होल एक्सटेंट में इन द शॉर्टेस्ट हो गया, एंड फिर है उसके बाद हमारा मोस्ट रिलायबल। मोस्ट रिलायबल क्यों बोला उन्होंने, भरोसेमंद। यहाँ पर सर का प्रोस्पेक्टिव यह है कि मोस्ट रिलायबल मीन्स डेट यू नो अबाउट द प्योर इफेक्ट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस यू आर यूजिंग टू क्योर द पेशेंट। जो हम ड्रग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए, उसके हमको सारे इफ़ेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं पेशेंट को क्योर करने के लिए। अगर हम जैसे अगर हम कहीं पे जंग पे जा रहे हैं और हमारे तो फौज के प्रॉस और कॉन्स हमको पता होने चाहिए, अगर हम किसी फौज को भेज रहे हैं किसी जंग पर तो फौज के क्या प्रॉस हैं क्या कॉन्स हैं हमको पता होने चाहिए। इसी तरह से हमको पॉजिटिव दवाइयों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट का पता होना चाहिए। दवाई के इफेक्ट से सब ड्रग प्रूविंग, दवाई के इफेक्ट हमको कैसे पता चल सकते हैं, ड्रग प्रूविंग से, जो ड्रग प्रूविंग बताती है। तो जो ड्रग वेल प्रूव्ड होंगी, दवाइयाँ होंगी जो वेल प्रूव्ड होंगी, वो हमको वही मेडिसिन यूज़ करनी है, और ड्रग प्रूविंग एंड मेडिसिन पड़ी होंगी तभी हमको इन चीज़ों का पता होगा, और वो जो ड्रग प्रूविंग है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे हुई होनी चाहिए, तभी हम उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। रिलायबल इसीलिए उन्होंने बोला कि हमको उन बीमारियों को जो ठीक करना है उनके लिए कौन सी दवाइयाँ यूज़ करनी है, उसके क्या ड्रग सब्सटेंस है, उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, हमको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो डॉक्टर हैनीमैन ने उनकी फिलॉसफी में डॉक्टर एनवेनिस फिलोसफी हैज़ स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट दैट द ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन आर यूजिंग द सब्सटेंस ऑफ विच दे नो वेरी लिटिल अबाउट। पहले के टाइम पे जो मेडिसिन यूज होती थी और आज के टाइम पे भी जो मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, ओल्ड स्कूल की जो मेडिसिन यूज़ होती हैं, उनके बारे में उनको बहुत कम नॉलेज होती है, इसीलिए उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको उसके सब्सटेंस के उसके साइड इफ़ेक्ट्स के और चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट हियर वी डिफर फ्रॉम एज वी आर यूजिंग मेडिसिन डेट आर वेल प्रूव्ड ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग्स, और उनकी जो ड्रग प्रूफिंग होती है वो ज़्यादातर एनिमल्स पे होती है,
हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे नहीं होती हैं, तो इसलिए उस चीज़ों का ह्यूमन बींग्स पे क्या इफेक्ट होता है वो भी उनको नहीं पता होता। मगर हमारी जो भी मेडिसिन है वो सारी हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर प्रूव की हुई होती हैं, इसलिए हमको उनका एक्शन रिएक्शन सब कुछ पता होता है कि ह्यूमन बींग्स उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। कि ये हो गया मोस्ट रिलायबल इसलिए क्योंकि हमको उनके पूरी प्रूविंग और उसके क्या सब्सटेंस है, क्या नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ पता होगा, तभी हम उसको मोस्ट रिलायबली यूज़ कर सकते हैं। फिर है हार्मलेस, तो हार्मलेस होना चाहिए हमारा ट्रीटमेंट। जैसे डॉक्टर हैनिमन सर जो हैं वो हिप्पोक्रेट से बहुत इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने हिप्पोक्रेट का ही एक कथन बताया है, प्राइमम नॉन नो केयर न्योसियर फर्स्ट डू नो हार्म, उनका कहना था, इसका मतलब है फर्स्ट डू नो हार्म। तो उस ज़माने में एक उन्होंने बताया था कि एक किंग था जो उस ज़माने में, तो उनको एक किसी फिजिशियन ने ठीक किया था, ओल्ड स्कूल के किसी फिजिशियन ने ठीक किया था, मगर वो उसकी बीमारी से तो वो निकल गया, मगर उसको ऐसी दूसरी बीमारी लग गई जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थोड़े टाइम बाद। तो ऐसी ठीक करने का क्या फ़ायदा जो उसको इतना साइड इफ़ेक्ट दे दे कि उसकी जान भी चली जाए। तो इसलिए उन्होंने होम्योपैथी को डिस्कवर किया, क्योंकि डॉक्टर हैनिमन सर खुद एक ओल्ड स्कूल के डॉक्टर थे और उन्होंने उन चीज़ों को देखा था, समझा था, परखा था, और उससे ही हताश होकर उन्होंने वो प्रैक्टिस छोड़ के और होम्योपैथी का की डिस्कवरी की। तो वो ये नहीं चाहते थे कि जो चीज़ें पहले से होती आ रही हैं वही हम अपनी नई पैथी में प्रेजेंट करें, तो उन्होंने कुछ नई अलग चीज़ें निकाली जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी पेशेंट्स को, उन चीज़ों को ख़त्म करके कुछ अलग चीज़ें, अच्छी चीज़ें निकाली जिससे क्योर हो सके। तो ये हो गया हार्मलेस होना चाहिए हमारा ट्रीटमेंट ऑन ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। अब ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल क्या है, हमने पीछे देखा था, ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल, समझाने योग्य, ईजिली मतलब सिंपली उसको समझा जा सके, ऐसे प्रिंसिपल्स के साथ। तो मैं रेफ़र करूँगी एफोरिज्म 22 में उन्होंने बहुत अच्छे से एक चीज़ समझाई है, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ूँगी आपके बारे में, आपके लिए। रेडली सर्टेनली एंड परमानेंटली रिमूव्ड एंड चेंज इनटू हेल्थ बाई सिमिलर और अपोजिट मेडिसिनल सब्सटेंस हैज ए टेंडेंसी टू प्रोड्यूस सिमिलर और अपोजिट सिम्टम्स। तो इजली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल में दो प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने बताया, रेडली सर्टेनली परमानेंट रिमूव्ड एंड चेंज इनटू हेल्थ कब आ सकता है, बाई सिमिलर और अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स, या तो सिमिलर या अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स से एज ए टेंडेंसी टू प्रोड्यूस, या तो वो सिमिलर डिजीज प्रोड्यूस करें या अपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करें। यही दो इजली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल थे। एफोरिज्म 22 में आपको एक लाइन मिलेगी, बाई सिमिलर और अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम, तो सिमिलिया और कॉन्ट्रेरिया ये दोनों ही ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल हैं, एक सिमिलिया एक कॉन्ट्रेरिया, एक सिमिलर और एक अपोजिट। इन दोनों को ही हम ईजिली समझा, मतलब इन दोनों को ही हम ईजिली समझ सकते हैं, ये दोनों ही ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल हैं। अब बाद में इसको बाद के एफरिज्म में 51 से लेकर और आगे भी सर ने बताया कि दोनों ही ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल हैं। फिर उन्होंने टेस्ट किया, प्रूव किया और बताया कि दोनों में से एक है जो ट्रुथ पे काम कर रहा है और जो ठीक कर रहा है, पेशेंट्स को ठीक कर रहा है, क्योर की तरफ लेके जा रहा है, और वो है सिमिलिया। तो उन्होंने वेल प्रूव करके वेल मतलब उसको पूरा उन्होंने टेस्ट किया और सारा कुछ देखा और प्रूव किया, बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर प्रूव करके देखा, तो उन्होंने पाया कि जो सिमिलिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल है, वो ज़्यादा पेशेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को ठीक कर रहा है। तो समझ में इजली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल दोनों ही हैं, मगर हमने सिमिलिया को इसलिए माना क्योंकि सिमिलिया क्योर करने में हेल्प कर रहा है और अपोजिट वाला मेथड नहीं हेल्प कर रहा, अपोजिट वाला मेथड इतना हेल्प नहीं कर रहा, कॉन्ट्रेरिया इज़ नॉट हेल्पिंग दिस। और ये सर ने हाइपोथेसिस यूं ही नहीं बोल दिया था, उन्होंने एफोरिज्म में आपको आप देखोगे डिफरेंट पैथीज के बारे में बताया है। डॉक्टर हैनिमन सर ने जब हम पढ़ेंगे तो एंटीपैथी एलोपैथी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि इजली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल जो है वो सबसे ज़्यादा हमारा जो पेशेंट्स को ठीक कर रहा है कि और की तरफ लेके जा रहा है वो है सिमिलिया, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, फिर उन्होंने प्रिंसिपल निकाला और उसके बेसिस पे ही होम्योपैथी को आगे बढ़ाया। तो एफोरिज्म 70 का एक जिस्ट
मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी इसके लिए। तो टोटैलिटी ऑफ सिम्टम मेडिसिन चूज़ करने में यूज़ करनी होती है हमको। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट कभी क्योर नहीं दे सकता है, एंटीपैथी पैलिएशन दे सकता है। ये उन्होंने एंटीपैथी एलोपैथी के बारे में इसमें बताया है, जिस मैं इसका इसलिए बता रही हूँ। होम्योपैथी मेडिसिन इज़ द ओनली साइंस जो क्योर की तरफ लेके जाता है, वो कभी भी सप्रेस या पैलिएट नहीं करता, ठीक है। तो एफरिज्म 70 डेट अकॉर्डिंगली टू ऑल एक्सपीरियंस इन नेचुरल डिजीज कैन नेवर बी क्योर्ड बाय मेडिसिन डेट पजिस द पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग इन द हेल्दी इंडिविजुअल एंड एलियन मॉर्बिड स्टेट दिस सिमिलर मॉर्बिड सिम्टम्स डिफरिंग फ्रॉम डेट ऑफ द डिजीज टू बी क्योर्ड नेवर देयरफॉर बाय एन एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट एंड डेट इवन इन द नेचर नो क्योर एवर टेक्स प्लेस इन विच एन इनहेरेंट डिजीज इज रिमूव्ड annihilated and cured by addiction of another disease dissimilar to it be the new one even so strong. This antipathy and merely palliative treatment is long-standing disease of a serious character is absolutely inefficacious. That however the third and only other possible mode of treatment the homeopathy मतलब जो एलोपैथी एंटीपैथी थी वो क्या कर रहे हैं, पैलिएट कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं और डिसिमिलर अपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वजह से, मगर क्योर नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने लिखा हावर द थर्ड एंड ओनली अदर पॉसिबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट द होम्योपैथी इन विच देयर इज एम्प्लॉयड फॉर द टोटैलिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ए नेचुरल डिजीजेस मेडिसिन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द मोस्ट सिमिलर सिम्टम्स जब वो हमारी बॉडी में जाती है और जो डिजीज होती है उसके जैसे ही सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करती है इन द हेल्दी इंडिविजुअल गिवन इन सूटेबल डोज, ठीक है। तो यही एक साइंस है जो सिमिलर डिजीज प्रोड्यूस करके और क्योर की तरफ पेशेंट को लेके जाती है। तो ये एफरिज्म 70 में उन्होंने बताया हुआ है, तो इसको समझने के लिए मैंने एफरिज्म 70 को लेना पड़ा। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। तो हमारे जो एफरिज्म 2 है उसमें उन्होंने यही मैं बता दूँगी ब्रीफ में कि एक्यूट में हमको कैसे ठीक करना है पेशेंट को, रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोर करना है हेल्थ में, और क्रॉनिक में रिमूवल एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट होना चाहिए इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे और ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। तो ये हमारा एफरिज्म 2 या 2 हो गया। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो अब मैं आपको थर्ड एफोरिज्म के साथ मिलूँगी। तो आपको अगर मेरा एफोरिज्म 2 को बताना अच्छा लगा और मेरी चीज़ें समझ में आई आपको, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने होम्योपैथिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँगी। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं हफ्ते में 1 या 2 वीडियो डालता हूँ एफरिज्म की, ताकि 1 साल के अंदर में हम लगभग 100 या 150 एफरिज्म कम कर लें। तो 2 साल के अंदर में हम सारे एफरिज्म्स कर लेंगे और एक हमारी जो बेस है वो बहुत पक्की हो जाएगी एफरिज्म्स को पढ़ने से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।